डाला यहाँ पर, हम यहाँ पे लॉग इन कर देंगे, हमारा सॉफ्टवेयर सामने खुल गया। सबसे पहले हमारा आज हम आपको इस पार्ट में यही बताते हैं कि आप ईआरपी सॉफ्टवेयर में आप अपना कस्टमर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सब्जी मंडी में सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि आपका जो कस्टमर्स की काउंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसको मेंटेन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही टफ पार्ट होता है कि उसको कस्टमर को हम कैसे मेंटेन करें। कस्टमर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए साइड पे अकाउंट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेकंड, हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर हमने कोई नया कस्टमर बनाना है तो न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर हम नाम डाल देंगे, हमारा कोई भी नाम है, जैसे सपोज करो हमने डाल दिया यहाँ पर शिंदा भाई, एंटर किया। यहाँ पर हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, वो हमारा कस्टमर्स का ग्रुप है, जो सप्लायर है, जो भी आप यहाँ पे ग्रुप मेंटेन करना है। अगर हमारा कस्टमर है तो यहाँ पे हम कस्टमर करेंगे। यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है हमने उससे पहले का बकाया हमारा कितना है, जिसको बोलते हैं पिछला बकाया कितना है, तो हम यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। एंटर किया, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, इट मीन्स आपने देने हैं या पैसे लेने हैं। यहाँ पर हम एरिया मेंशन कर देंगे, आप कौन सा एरिया में कस्टमर आपका होता है। जैसे आप सपोज करो सब्जी मंडी में है तो यहाँ पर सब्जी मंडी डाल दीजिए, अगर रेलवे स्टेशन है तो आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन डाल दीजिए। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपके क्या होता है मार्केट में, आप उग्राही लेने जाते हो तो आपके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में बंदे होते हैं मार्केट में उग्राही करने के लिए, तो उनको आप लिस्ट देना चाहते हो कि इस मंडी की हमने इस बंदे को लिस्ट देनी है, इस मंडी का हमने इस बंदे को लिस्ट देना है, तो उसको हम एरिया मेंटेन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पर हम कस्टमर की क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं कि कौन से कस्टमर को हमने कितने तक का उधार देना है, हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ हिंदी, नेम ऑफ हिंदी का मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में आप कोई भी भाषा इसमें सॉफ्टवेयर में, कोई भी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हो। जैसे पंजाब में पंजाबी चलती है तो उसको आप पंजाबी में, जो भी आप लेजर वगैरह जो आपकी पर्ची जिसको बोलते हैं वो आप पंजाबी में प्रिंट करना चाहते हो, व्यापारी कस्टमर का पर्चा, व्यापारी का पर्चा पंजाबी में देना चाहते हो, इस किताब खिताब आपने पंजाबी में निकालना है तो पंजाबी में चल जाएगा। अगर अदर लैंग्वेज स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हिंदू हम चलते हैं, हिंदी चलती है, तेलुगु चलती है, मराठी चलती है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर ऑप्शन में जाकर हम अपनी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, हमने कौन सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को चलाना है। देखिए आपके सामने हमने लिस्ट ओपन की है, तो सॉफ्टवेयर देखेंगे आप कितनी सारी लैंग्वेज को ऑपरेट कर लेता है सॉफ्टवेयर। अगर आप काम करें भले आप इंग्लिश में करते रहें, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो आपको आउटपुट देगा वो अल्टरनेट लैंग्वेज में दे देगा आपको। जैसे आप मान के चलो काम करोगे इंग्लिश में, आपने लिस्ट निकाली है हिंदी में, यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब आप इसकी प्रिंटआउट वगैरह निकालेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में निकलेगा। जैसे हम डालते हैं यहाँ पर हमारा देखिए, हमने यहाँ पे डाला हमारा जो भी डालना है आप यहाँ पर बना सकते हैं। एंटर किया, एड्रेस डाल देंगे, हमारा एड्रेस क्या है हम यहाँ पे वो डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस टू में कस्टमर का हमने सिटी डालना है, कौन सी सिटी में से आप वो डाल सकते हैं, स्टेट, उसका पैन नंबर, आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर में मैसेज की फैसिलिटी भी है, अगर आप अपने जो भी उग्राही जो भी आपका लेन देन है आप कस्टमर के मोबाइल पे SMS करना चाहते हो तो वो भी सॉफ्टवेयर में फंक्शनलिटी है कि आप जिससे पैसा उग्राही अपनी उधार लेना है उसको आप मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट उसकी बैंक डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर होता है कि हमारे पास जो मैनुअल बुक्स लगी होती हैं तो उनका एक पन्ना नंबर होता है, तो हम यहाँ पर लेजर फोलियो में उसका पन्ना नंबर भी डाल सकते हैं कि हमारी वो मैनुअल बुक में वो कौन से पन्ने पर उसका नंबर पे हमारा इसका अकाउंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। अगर कस्टमर की फोटो लगाना चाहते हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट फोटो में जाकर यहाँ पर हम उसकी फोटो भी लगा सकते हैं। हम इसको देन हम सेव करते हैं, हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीपल जो भी अकाउंट्स है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर उसका हम बैलेंस डाल देंगे। ऐसे वो हमारा मंडी में है या रेलवे स्टेशन में हमारा ग्रुप है तो आप यहाँ पर वो मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पर नाम डाल दिया, एंटर किया, देन हमने उसका मोबाइल नंबर वगैरह डाला, देन हमने उसका आपको सेव कर दिया। ऐसे ही आप जितने आपके कस्टमर्स हैं आप सबको यहाँ पर वन बाय वन सबको आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका चिट्ठा है, जो भी आपकी उग्राही लिस्ट है, सबके आप सबसे पहले इसमें नाम डाल दीजिए। अगर आप इसको देखने के लिए या लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इसका आगे वाला पार्ट उसमें आपको कस्टमर्स के बिल, जैसे हमने व्यापारी के बिल बनाने हैं, स्टॉक मेंटेन करना है, हमारे पास गाड़ी आती है लॉट वाइज, हम लॉट वाइज उसको सेल करते हैं, पार्टीज को हम बिल बना कर देते हैं, आगे कौन सी गाड़ी में से कितना माल हमने सेल किया, क्या क्या हमारे पास स्टॉक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए आप हमारी नीचे दिए नंबर पर आप हमें कॉल करें, आप इसकी हमारी से ट्रेनिंग लें। जो भाई इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमें कॉल करके इसका आप हमारे से डेमो देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है। आप हमारे नीचे दिए लिंक पे डाउनलोड करके इसको आप 1 मंथ के लिए ट्रायल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बढ़िया लगता है तो आप इसको आप परचेज कर सकते हैं।